हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। आज पूरी डिटेल में जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट की जो है वो इंडिया के अंदर क्या अहमियत है, और लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, और इसके जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो होते हैं, और किस तरीके से जो है वहाँ पर पावर शेयरिंग जो है वो होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग, फिर ज़िला में यानी डिस्ट्रिक्ट में पावर शेयरिंग, फिर उसके बाद में ब्लॉक और पंचायतों में जो है वो पावर शेयर की जाती है। जैसे आमतौर से लोकल गवर्नमेंट को जो है वो पंचायती राज और म्यूनसिपलिटीज़ में जो है वो बांटा जाता है, और पूरी डिटेल में जो है वो जानने की हम उस भरपूर कोशिश करेंगे। और पंचायती राज और हमारे जो ग्राम पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ जो है वो किस तरीके का काम करती हैं, और उनका क्या काम जो है वो होता है, और उनके पैसे जो है वो कहाँ से आते हैं, और उसी तरीके से जो है वो थ्री टायर जो है वो पंचायती राज सिस्टम में जो है क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर फेसबुक के ज़रिए से देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक की, इम्पोर्टेंस जो है वो लोकल गवर्नमेंट की क्या होती है। तो आम तौर से जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो एक फेडरलिज्म का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें पावर शेयरिंग जो है वो होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और दूसरा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट होता है, और स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो पावर शेयर होती है डिस्ट्रिक्ट्स में, उसके बाद में ब्लॉक लेवल में, फिर पंचायत लेवल में, फिर वार्ड लेवल पर। तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्कीम्स और पॉलिसीज़ जो है वो लोगों के लिए बनाती हैं, चाहे स्कूल बनाने हों, कॉलेजेस बनाने हों, हॉस्पिटल्स बनाने हों, रेलवेज बनाने हों, एयरपोर्ट्स बनाने हों, और बहुत सारे काम जो है वो करने हों, उन सब के लिए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी तैयार करती है, और उनको जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ज़रिए से जो है वो जो है उनको इम्प्लीमेंट कराती है। तो इसमें से बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बेसिक नीड जो है वो लोगों की होती हैं, वो मसले जो है सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो उनके जैसे कहीं पे पानी की समस्या है, कहीं पे ड्रेनेज की समस्या है, कहीं पे साफ़ सफाई की है समस्या है, कहीं पे पावर की समस्या है, और कहीं पे और भी बहुत सारे जो है वो डेली नीड जो है वो लोगों की होती है, उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट, उसके लिए लोकल गवर्नमेंट होती है, यानी फेडरल गवर्नमेंट भी जो है वो थ्री टायर पर जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है चलता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का, और उसके बाद में तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो लोकल गवर्नमेंट का है। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो क्या होती है, और लोकल गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से वर्क करती है, और उसमें कौन से मेंबर्स होते हैं और कौन से हेड्स होते हैं, उन सभी के बारे में जो है हम आज
डिटेल्स में जो है वो जानेंगे। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट होती है, लोगों की तैयार की हुई। तो इस लोकल गवर्नमेंट के जो है वो दो कैटेगरीज हैं, एक पंचायती राज है और दूसरी कैटेगरी हमारे पास म्यूनसिपलिटीज है। तो पहले हम पंचायती राज के बारे में जो है जानेंगे, उसके बाद में म्यूनसिपलिटीज के बारे में जानेंगे, वो क्या होते हैं और किस तरीके से वो काम जो है करते हैं। तो पंचायती राज में जैसा कि आर्टिकल 40 के अंदर जो है इसका जिक्र जो है वो किया गया था, लेकिन वहाँ पर इसका जिक्र खाली जिक्र किया गया था, लेकिन जब 73rd अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो वहाँ पर जो है 11th शेड्यूल के अंदर जो है पंचायतों के जो है वो 29 पॉइंट्स पर जो है वो 29 पॉइंट्स की जो है वो लिस्ट दी गई, जिस पे जो है पंचायतें जो है वो काम कर सकते हैं। तो अब पंचायती राज के अंदर पंचायती राज जो है उसके आगे दो कंपोनेंट्स होते हैं, और ये पंचायती राज जो है वो थ्री टायर सिस्टम पर जो है वो चलता है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, और ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति, और विलेज लेवल के ऊपर जो है वो ग्राम पंचायत होती है। तो बारी बारी से इन सबको जो है हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि जो हमारे पास जो पंचायती राज है उसमें जो है एक कंपोनेंट होता है लीगल और एक कंपोनेंट होता है एग्जीक्यूटिव। तो लीगल कंपोनेंट के अंदर जो है छोटी छोटी विलेजेस होती हैं, और एक पंचायत जो है वो छोटी छोटी विलेजेस पर भी मुश्तमिल हो सकती है, वो डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से। और तो उसी तरीके से वार्ड्स जो है वो बनाए जाते हैं पॉपुलेशन डायनेस्टी के हिसाब से, और हर एक पंचायत के अंदर 5 से लेकर 20 वार्ड्स जो है तक होते हैं। तो इसमें से जो ग्राम हमारे पास जो ग्राम सभा है, पंचायतों के अंदर जो है ग्राम सभा होती है, और ग्राम सभा के मेंबर हर वो शख्स जिसकी उम्र 18 साल है वो ग्राम सभा का मेंबर होता है, और उसके पास वोटिंग का हक होता है, और वो लोगों और वो अपना नुमाइंदा चुनने का हक होता है। और तो वार्ड लेवल्स के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमेटी की ओर से इलेक्शन कराया जाता है, और ये ग्राम सभा के जो मेंबर हैं, जो 18 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं वो चुनते हैं अपने वार्ड के पंच को, और वार्ड लेवल पर जब अपने पंच को चुनते हैं डायरेक्टली अपने वोटिंग के थ्रू, और उसके बाद में वो अपने सरपंच को भी डायरेक्टली अपने वोट के जरिए से चुनते हैं। तो ये हमारे पास एक लीगल पॉइंट है, उसके बाद में हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव कंपोनेंट है। तो एग्जीक्यूटिव कंपोनेंट के अंदर हमारे पास गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय होता है, जो कि उसको हम पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं। जब भी ग्राम पंचायत की मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उन मीटिंग्स के अंदर जो है वो वार्ड के मेंबर्स भी वार्ड के पंचेस होते हैं, और सरपंच होता है, और बहुत सारे जो है वो पब्लिक लोग जो लोग भी जो है उसके उसमें जो है वो शमूलियत हासिल कर सकते हैं। तो जो पंचायत सेक्रेटरी होता है ये एक ऑब्जर्वर होता है, जो भी मीटिंग में फैसला लिया जाता है उसके ऊपर जो है काम जो है वो कराया जाता है, और उसका प्लान जो है वो बाजाबता तौर से बनाया जाता है, और उस प्लान को जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। लोगों के जो है मसले जो है वो सुने जाते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा जो है वो किस किस को हो रहा है और किस किस को नहीं हो रहा है। तो ये अगर किसी को गवर्नमेंट की स्कीमों का फ़ायदा जो है वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपने पंचेस को बता दें, अपने सरपंचेस को ये बात बता दें, वो फिर आगे उसका मसले का जो है वो हल निकालने की कोशिश करता है। जैसे किसी के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, वाटर कनेक्शन नहीं है, जॉब कार्ड नहीं है, और भी बहुत सारे आम लोगों के जो भी मसले हैं उनको जो है वो इसमें जो है
हल जो है वो निकाला जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो ग्राम पंचायत है या ग्राम सभा है वो काम जो है वो करती है। तो कलेक्टिवली जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और जो पंचायत के पंचेस और मेंबर और जितने भी लोग होते हैं वो मिलजुल कर जो है वो काम करते हैं और लोगों के मसले हल करते हैं। तो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, इसीलिए इसको सेल्फ इसीलिए इसको लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। इसमें लोगों के पास जो है वो पावर होती है, जो लोगों की बेसिक नीड्स जो है वो इसमें जो है वो हल की जाती है। तो इसमें जो है वो पंचायत लेवल का जो है वो सरपंचस होते हैं और ऊपर जो ब्लॉक की जो समिति होती है, समिति के अंदर जो है हमारे पास ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो इसका हेड होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन या ब्लॉक समिति का हेड जो है वो होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरपर्सन होता है, प्रमुख ब्लॉक प्रमुख जो है इसका हेड होता है, और उसके बाद में इसके मेंबर्स जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, सरपंच होते हैं, फार्मर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एग्रीकल्चर के भी रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह होते हैं। तो उसके बाद में जो है ज़िला परिषद में जो है वो एक जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक पंचायत होती है, इसका हेड जो है वो सीईओ होता है और जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है या स्टेट सर्विस ऑफिसर होता है, और इन इनके थ्रू जो है वो ये जो है वो डीपीसी जो है वो तैयार करते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो बनानी है और किस कहाँ पे किस क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा जो है वो प्लानिंग तैयार की जाती है। तो इसी तरीके से जो स्ट्रक्चर है पावर शेयरिंग का गवर्नमेंट का वो सीधे सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल तक जो है इसी तरीके से जो है वो प्लानिंग में भी जो है जैसे पैसे आने होते इसी के साइकिल में जो है वो पैसा जो है वो आता है, उसके बाद में काम जो है वो इसमें किया जाता है। और इसके मेंबर्स जो है वो ब्लॉक प्रमुख होते हैं यानी बीडीसी होते हैं, बीडीसी चेयरपर्सन होते हैं, और उसके साथ साथ में एमएलएज और एमपीज एक्स्ट्रा भी इसके जो है वो मेंबर्स होते हैं। उसी तरह से म्यूनसिपलिटीज भी ये जो है वो शहरों के अंदर होती हैं, छोटे छोटे शहरों में और बड़े बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, छोटे शहरों में म्यूनसिपल काउंसिल्स होती हैं। तो इसी तरह से छोटे शहरों के अंदर कुछ अर्बन एरियाज़ भी होते हैं, कुछ रूरल एरियाज़ भी होते हैं, अपने अपने वार्ड के थ्रू जो है वो अपना वो नुमाइंदा जो है वो काउंसिल का जो है वो चुनते हैं, और उसके बाद में जो काउंसिल के जो मेंबर इसी तरीके से एक वार्ड का जो है वो हेड परिषद जो है वो चुनते हैं। तो वो जो है वो आपस में उसके बाद में जो है वो मेयर को चुना जाता है, और उसके पास कईयों के पास जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पावरात भी जो है वो होते हैं। तो उसका जो लीगल लीगल पार्ट है और उसका एग्जीक्यूटिव पार्ट के अंदर जो है वो एक आईएएस लेवल का ऑफिसर होता है जो कि म्यूनसिपल कमिश्नर होता है। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो लगभग सेम होता है म्यूनसिपलिटीज़ के अंदर भी, और उसकी जो म्यूनसिपलिटीज़ जो है वो 74th अमेंडमेंट एक्ट में जो है वो पूरी तरीके से लिस्ट जो है वो तैयार की गई है जिनके ऊपर म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो परिषद हैं और उनके जो मेयर हैं वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो लोगों के लिए काम करते हैं। अब मसला ये है कि इनके पास जो है पैसा जो है वो कहाँ से आता है, पंचायतों में और म्यूनसिपलिटीज़ में पैसा जो है वो कहाँ से आता है, और इसमें जो है वो इलेक्शन कौन करवाता है, और रिजर्वेशन कितनी होती है, और इनका टेनेवर जो है वो कितना होता है।
इनका जो पैसा जो है पंचायती ग्राम पंचायत में जो पैसा जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको फंड्स आती हैं। जब तक फंड्स जो है वो आती रहती हैं तब तक काम जो है वो होते रहते हैं। जब अगर फंड्स जो है वो आना बंद हो गए तो उनके काम भी जो है वो रुक जाते हैं। तो म्यूनसिपलिटीज़ जो है वो लोगों के दिए गए टैक्स से चलती है, और कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स देने में जो है वो टाल मटोल कर रहे होते हैं, तो इसलिए फंड लोगों के पैसे न मिलने की वजह से जो है वो काम जो है वो रुक भी सकते हैं, और इसलिए वो लोग भी जो है वो डिले हो जाते हैं। तरह से इनका जो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से कराया जाता है, और इसमें रिजर्वेशन जो है वो 33% दोनों में जो है वो होती है, वुमेन के लिए, चाहे वो पंचज परिषद हों, चाहे वो सरपंचज हों, प्रमुख हों, जिला प्रमुख हों, इसमें 33% की रिजर्वेशन होती है। और इनका टेनेवर सबका जो है वो 5 साल का टेनेवर जो है वो होता है। अगर बीच में जो है वो हुकूमत इनकी गिर गई, डिजॉल्व हो गई, तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है दोबारा से इलेक्शन जो है वो कराए जाते हैं। तो ये सारा कुछ सिस्टम्स जो है वो हमारे लोकल गवर्नमेंट का था, और ये सारे काम जो हैं लोकल गवर्नमेंट जो है वो करते हैं।